शुड विजर्ड हिट मोमी क्लास 12th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। आइए देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो 5 हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे, तो 6 से यहाँ है। हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड, तो जो किस तरह से चाहती थी कि रोजर स्कंक की कहानी का अंत हो। आंसर, इन द ओरिजिनल स्टोरी रोजर्स मॉमी हिट द विजर्ड ऑन द हेड विथ एन अम्ब्रेला। वास्तविक कहानी में रोजर की मम्मी ने विजर्ड को अम्ब्रेला से उसके सिर पर मारा था। सो द विजर्ड मेक्स रोजर स्मेल बैड अगेन, इसलिए जादूगर ने पुनः रोजर को वही खराब स्मेल दे दी। जो वांट्स द स्टोरी टू एंड द अदर वे, जो कहानी का अंत दूसरी तरह से करना चाहती है। शी वांट्स द विजर्ड टू हिट द स्टूपिड मम्मी, वह चाहती है कि जादूगर स्टूपिड मम्मी को मारे। शी थिंक्स रोजर्स स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन, वह रोजर की दुष्ट माँ को रिस्पॉन्सिबल मानती है, जिम्मेदार मानती है, जो रोजर की पुनः वो बैड स्मेल आने लगी। सो शी वांट्स हर टू बी पनिश्ड, इसलिए वह चाहती है कि वह दंडित की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज क्लेयर बिजी, क्लेयर कैसे बिजी थी। व्हाट डिड जैक वांट टू डू एट लास्ट, अंततः जैक क्या करना चाहता था। आंसर, शी वाज बिजी इन पेंटिंग द हाउस होल्ड आइटम्स, तो क्लेयर घर में रखे सामानों को पेंट करने में व्यस्त थी। जैक फेल्ट हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, जैक अपने आप को उस अगली मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ पाया, कुरूप सिचुएशन में पाया, जहाँ ठीक ठाक हालत में कमरा नहीं था। ही फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, उसने अपनी पत्नी की उपस्थिति को वहाँ महसूस किया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वह उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। वर्क विथ हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, उसको छूना नहीं चाहता था। एनीथिंग या कुछ भी नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट, व्हाई डिड जो वांट द विजर्ड टू हिट मॉमी, तो जो क्यों चाहती है कि विजर्ड जादूगर मॉमी को मारे। आंसर, जो वांटेड द विजर्ड टू हिट मॉमी बिकॉज शी हैड हिट द विजर्ड, क्योंकि मॉमी ने विजर्ड को मारा था, इसलिए वो चाहती थी कि विजर्ड मारे। शी मेड हिम चेंज रोजर स्कंक स्मेल बैक टू अ फाउल वन, उसने रोजर स्मेक की स्मेल को चेंज कर दिया, खराब कर दिया। जो वांटेड रोजर स्कंक टू स्मेल लाइक रोजेज, जो चाहती थी कि रोजर स्कंक रोज जैसी खुशबू दे। सो दैट, ताकि ही माइट गेट द लिबर्टी टू चूज हिज ओन वे, ताकि उसको स्वतंत्रता मिल सके, अपनी तरह से स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। ही कुड बी फ्रेंड ऑफ अदर क्रिएचर्स, वह अन्य प्राणियों का, जीव जंतुओं का मित्र हो सकता था अगर स्मेल उसकी बदल जाती तो। नेक्स्ट, व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर स्कंक गो टू द विजर्ड, तो रोजर स्कंक की माँ विजर्ड के पास, जादूगर के पास क्यों गई। आंसर, रोजर स्कंक्स मॉमी वाज वेरी एंग्री एट द चेंज मेड इन द स्मेल ऑफ स्कंक, तो रोजर स्कंक के स्मेल में जो चेंजिंग आई, इससे रोजर स्कंक की मम्मी बहुत नाराज थी। शी रिजेंटेड इट एक्सटर्नली, रिजेंटेड मीन्स विरोध किया, उन्होंने इसका सख्ती से, एक्सटर्नली कड़ाई से विरोध किया।
शी टुक एन अम्ब्रेला, उन्होंने एक छाता लिया, इन हर हैंड, अपने हाथ में एक छाता लिया, एंड वेंट टू सी द विजर्ड, और विजर्ड के पास चली गई। शी हिट द विजर्ड राइट ओवर हिज हेड, तो जो जादूगर था उसके सिर पर उन्होंने छाते से मार दिया। ही चेंज्ड रोजर स्कंक इन टू इट्स फाउल स्मेल, तो जादूगर ने रोजर स्कंक के स्मेल को फाउल कर दिया, बेकार कर दिया, एक बैड स्मेल कर दिया। नाउ रोजर स्कंक हैड नो स्मेल ऑफ रोजेज, अब रोजर स्कंक की जो स्मेल थी वो रोज जैसी नहीं थी। ही बिगेन टू स्मेल वेरी बैड अगेन, वह पुनः खराब स्मेल देने लगा। नेक्स्ट, हाउ डिड जैक फाइनली एंड अप द स्टोरी, तो जैक अंततः कहानी को कैसे समाप्त किया। आंसर, जैक एंड्स द स्टोरी, जैक कहानी का अंत करता है। रोजर स्कंक रिटर्न्स होम, रोजर स्कंक घर वापस आता है विथ हिज मम्मी, अपनी माँ के साथ। हिज डैडी कम्स होम फ्रॉम बोस्टन, उसके पिता बोस्टन से वापस आते हैं। रोजर स्कंक्स मदर हग्स हर, रोजर स्कंक की माँ उसको गले लगा लेती है। ही स्मेल्स लाइक बिफोर अगेन, वह पहले जैसा पुनः स्मेल करने लगता है। हिज फ्रेंड्स एक्सेप्ट हिम, उसके मित्र उसको स्वीकार कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का अध्ययन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।